लगता है कि उनके मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। मैं समझती हूँ जितने भी बयान आ रहे हैं वरिष्ठ नेताओं के, ये बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। जब जब चुनाव आते हैं इस तरह की भाषा में बदलाव आता है, और जो सनातन धर्म और की बात करते हैं, मैं समझती हूँ उन लोगों के मुख से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। तो जो सनातन धर्म का जो स्वभाव है, अगर ये लोग समझेंगे तो आप जानेंगे कि कोई भी अलग नहीं है, हम सब एक ही हैं। और इस तरह की बातें लगातार जो चुनाव में उठाई जा रही हैं, मैं समझती हूँ क्योंकि ये लोग नाकामयाब रहे हैं पूरी तरह से अपने जो मैनिफेस्टो में, अपने जो 10 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने मंचों से जो घोषणाएं की थी, जहां 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जहां किसान की आय दुगनी कर देंगे, अच्छे दिन आएंगे, स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे, गोद लिए हुए गाँव की बात करी गई हो, और मैं समझती हूँ और महंगाई कम करने की बात करी गई हो। आज आप सिलेंडर की कीमत देखिए, पेट्रोल डीजल और जितने भी हमारे किसानों के खाद्य पदार्थ की कीमत देखिए, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं सरकार नाकाम हुई है अपने, इसीलिए इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा ओबीसी आरक्षण पर डाका डालने की कोशिश की गई, और SC ST के आरक्षण पर भी कांग्रेस तलवार लटका रही है। कांग्रेस 2014 में जो सरकार 10 साल में कोई काम नहीं कर पाई है, किसी भी युवा, सारे वर्ग, हमारे युवा वर्ग, हमारा किसान वर्ग, हमारे महिलाएं, हमारे बेटियां और हमारे जवान, हम इनका पर्दा फाश हो चुका है। अब ये लोग जान चुके हैं लोग कि यह सरकार काम नहीं करेगी, और खाली मीडिया के माध्यम से ये प्रचार और प्रसार में लाखों करोड़ों रुपए लेगी, देगी आप लोगों को, और इसी के साथ ये चंदे के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपये लेगी बड़े बड़े उद्योगपतियों से। धर्म के आधार पर कांग्रेस आरक्षण की बात कर रही है, आप, मुझे लगता है कि कांग्रेस के यहाँ पे बहुत सारे प्रतिनिधि आपको क्षेत्र में मिल जाएंगे, अगर आप उनसे बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैनपुरी से भाजपा ने आपके समक्ष अपने मंत्री को उतारा है, और लगातार वो लोग इस बार दावा कर रहे हैं, कल प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री यहाँ आए, उन्होंने कहा कि अब 400 पार की बात नहीं है, अब तो 400 पार, 450, 500 की हम बात करते हैं। मैनपुरी 80 की 80 सीटों में समाहित है, कैसे लेती हैं आप? मैं समझती हूँ 80 की 80 सीटें बोलना ही ये दर्शाता है कि ये झूठ झूठ बोलने वाले लोग हैं। तो ये और ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार जनता पार्टी बनती जा रही है। जितने भ्रष्टाचारी हैं पूरे देश के, इनके पार्टी में समाहित होते जा रहे हैं। और मैं समझती हूँ जनता इस बात को समझ गई है कि दबाव की राजनीति के तहत ये लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में समाहित करते हैं, और चारों वर्ग, हमारा युवा, हमारा किसान, हमारी माताएं बहनें, हमारे जवान, इन इस बात को जानने के बाद अपना मन बता चुके हैं, और ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई होने जा रही है। और मेरा मानना है कि इस बार जो परिणाम रहेंगे वो बहुत ही आशाजनक रहेंगे, और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब ये परिणाम आशाजनक रहेंगे तो बहुत सारी युवाओं के लिए रोजगार खुलेंगे, माताओं बहनों को बहुत ज़्यादा पेंशन मिलेगी, और हम सभी काम करेंगे, और मैं सभी जनता का धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने अपने उद्बोधन में अभी कह रही थी कि आप जिनके परिवार नहीं होते वो राशन को लेकर कुछ भाषण दे रही थी, क्या क्या था वो चीज़ पूरी, क्या कहना चाह रही थी? मैं कहना चाह रही थी कि पहले राशन में, आज से 10 साल पहले का अगर आप आकलन कर लेंगे, तो राशन में हमको चावल मिलता था, तेल मिलता था, चीनी मिलती थी, और इसके साथ गेहूं या आटा भी मिलता था। लेकिन अब यह सरकार ने इस राशन में भी चोरी करके खाली बाजरा देने का काम किया है। मैं समझती हूँ जनता समझ रही है, जान रही है, और सब समाज और सब वर्ग के लोग एक साथ आ रहे हैं भाजपा को हटाने के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।